हत्या के तरह जो मतलब छी न्यू दिल्ली जो न्यू दिल्ली को अपन भारत से राजधानी छी ए भारत से राजधानी और को अदुष्टा चाहे बन कहना जो आज हमारी अदुष्टा छ वो का अदुष्टा छ तो आपनो एक एमपी भी आ छ वो नाम छ डॉक्टर उमेश जाधव तो डॉक्टर उमेश जाधव भया काय मार गुलबरा संसद छ आज काय मार जो जयंती मनावर छ हम मनावर जी कोटि कोटि नमस्कार करता सब देशवा नमस्कार सेवा हम काम जो गो भाई कितने दिन में बोलता था नमस्कार जय सेवा नाम 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 सतवीर गुटिया दिल्ली से आपका नाम बोलो विश्वनाथ चौहान कर्नाटक से तब नाम तब नाम मैं गजेंद्र सिंह नायक उत्तर प्रदेश आपका नाम अरविंद नायक डाबा यूपी दिल्ली से क्या बढ़िया बढ़िया आपका नाम बोल गया बोल गया वो राम गोरी चाहे आप कौन के कहते वाह राम गोरी का चाहा आप चौहान नरेश केंद्रा बैंक नवाई जान जान कितने मेन बैंक से वर्क कर रहे हैं वाह थैंक यू भाई देश वाला आपका बोल पहचान भैया मैं एक नायक छूँ और नायक न्यूज चैनल संपादक छूँ हमारा मूल निवास हाथरस है और हमारा गोत्र पुरा छूँ और पाला मारे पैरिस छू अब तो मैं दिल्ली में रहूँ करीब तमाम बोलो मैं मंटू राम लावड़िया सोमावत चौहान हरियाणा से हूँ दिल्ली में रहूँ मैं नरेश भरतिया दिल्ली में रहूं दिल्ली में मैं सुभाष चावल लावड़िया दिल्ली बाद में रहूं और एयर इंडिया से रिटायर हूं और अभी ए टाइम में एयर इंडिया विद्यालय सेवा से करूँ नेशनल जनरल क्रेडिट हूँ वाह 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 कागज आप हिरे व्यक्ति छ बाबू जय सोरा जय सोरा देखो अपन तो डॉक्टर बे यादव भाई लार बारी का 25 लाख भराए तो अपना जयंती मनाए आज का बात से कोरोना से जो कब लाओ और बने आप को यादव भाई का कहीं तब जाते बोल पिछली बार जो जो संत सेवाल जी ने जयंती मनाई थी गवर्नमेंट में बहुत लोग आए थे सारा पूरा मतलब कर्नाटक और आपने बॉम्बे महाराष्ट्र वगैरह से आदमी बहुत आए थे कम से कम 30-40 हजार आदमी आए थे और जो समय में कोई कोरोना कोई कोई प्रकोप नहीं तो ये समय में जो है कोरोना प्रकोप है और रिसेंटली जो है जो डॉक्टर साहब है उन्हें याद किया जो है फलते उन्हें कहीं भाई हम बहुत जोर तोड़ बनाया पर रिसेंटली महाराष्ट्र और पंजाब और केरल और मध्य प्रदेश उत्तर जो थे कोरोना दोबारा फिर रिसेंटली थोड़ा दस्खत नीचे ये भी वजह से आज हमारे दिल्ली ने और कहीं कुछ लोग जो थे आप जो आसानी मना रहे थे बड़े सही ढंग से कहीं का मुझे पिछली बार बहुत मतलब आज भी मतलब जो थे पूरा सहयोग है दिल्ली ने जितना भी दिल्ली बंजारा समाज है उन्होंने कहीं के जितना भी हमारे जो लोग बैठे थे हम दिया 5 मिनट जो थे मेहनत कर रहे थे वो बापू जी चरणों में जो थे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे आज बापू जी रहे आज बापू रामाराव जी बापू रामा जी हमारे जो धर्म गुरु होते हैं ठीक है पहले साउथ में मनाते थे हमारी इंडियन नॉर्थ ईस्ट में जानते नहीं थे अब नॉर्थ ईस्ट में कंकन जिन्होंने जाने थे ये भी हमारे ईस्ट से पहले भी ईस्ट तो अब भी हमारे मतलब देवता है और बन जाना समाज है बहुत बहुत जो संघ में संत सेवालाल जी और जो संघ में जो थे बाबा लक्की साली जो हमारे तक कंकन में ग्वालू एक थम तो जो दुनिया रो अडानी और अंबानी तो लगाई कहीं भी नहीं था वो बन जाना समाज तो बाबा लक्की साली बाबा लखीसा जी ने जो गुरुतेग बहादुर जी नौवीं पातशाही उनके धड़ को लेके और अपने घर में जो है स्वयं जो है उनका संस्कार किया था गेटवे ऑफ इंडिया अपना लखीसा बजाकर आ रही है क्या
लक्की साहब हम जा रहे थे जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर जगह उनके पाबंदी है आज भी और हर जगह क्या कहते हैं उनके अपने चिन्ह है और वो जो जितना बड़ा वो व्यापार करते थे लाखों गड्ढे उनके होते थे लाखों बैल होते थे और जहाँ भी वो बैल और वो रखते थे वहाँ अपना कुआं खोद के पानी अपना खुद निकालते थे खुद अगर बैलों अगर बंदों को जो पानी पिलाते थे आज भी हमारा समाज बहुत मतलब पीछे है जो 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 बनाए हुए हमारे जो बाबा लक्की साहब जी ने जो उनके जो ऐतिहासिक चीजें थी वो सारी विरासत हमारे लोगों ने नहीं संभाली नहीं आज हमारे लोगों के पास इतना था कि आधे हिंदुस्तान में उनके बावड़ी हैं उनके आज भी लक्की साहब बंजारे का जो है राजपुरे के अंदर जो बंजारा सराय है उसके नाम से रेलवे स्टेशन भी है आज हमारे जो पार्लियामेंट है और जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी जो ऑफिस जो हमारा जहाँ से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट चलती है वो भी हमारे लक्की साहब क्या बात है ये बात तो मैं तो अपने सरकार को जितनी भी सरकार है उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ हर स्टेट के अंदर बाबा लक्की साहब जी की जो है एक 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 मैं कह रहा हूँ दिल्ली गया जहाँ जहाँ भी मतलब सरकार अगर मेरी बात सुन रही है तो हर जगह इनके नाम से रोडों के नाम चिन्हित होने चाहिए और उनका जो है मूर्ति चाहिए सरकार को ये मैं इस बार आज बापू जी की जो श्रद्धांजलि सभा है तो बापू जी को सदैव श्रद्धांजलि यही होगी कि आज जो है जो भी सरकार जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही है तो हमारे बाबा लक्की साहब जी संत सेवालाल जी और बापू रामाराव जी जो हमारे ईस्ट में जो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थैंक यू वेरी मच बहुत बढ़िया हमारे लिए बड़ी सौभाग्य दिन से कि आज सब रामाराव बापूरी हम श्रद्धांजलि मनाए जा रहे सा श्रद्धांजलि पिछले नवंबर ने 3 तारीख ने मननी थी डॉक्टर उमेश यादव जी और शक्ति पवार जी रे नेतृत्व में लेकिन कोरोना के कारण इस समय लेट हो गयो और ये आज समय आज है तो आज हम सब मिलकर के बापू ने हम श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए था और हम इनसे बड़ी प्रेरणा लिखी से इंडो आशीर्वाद से पिछले साल भी दिल्ली में पहलो समागम हो संत सेवालाल महाराज जी 381वीं जयंती मनाई गई और इनके वचन थो हम इन्हें दर्शन करे थे जब जीवित थे ये घरे में ई घर डॉक्टर यादव घर को नहीं बल्कि मंदिर से जाकर हमें मंदिर को मानना था और इनको कह दो कि मैं उमेश यादव हर साल दिल्ली में संत सेवालाल की जयंती मनाई जानी चाहिए ये मारो विचार से यादव जी शंकर पीड़ितो शंकर पवार जी शंकर पीड़ितो और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता थे जो हमारे सेवक थे उन्हें चरणों में वास करते हुए अपने चरणों में वास करते हुए हमने भी सेवा का मौका मिलो और हम भी और के पास खड़े सर और संत रामाराव महाराज जी अस्पताल जमा में आपकी धोले सर और बर्दाश्त करा सर कि हर साल बढ़ चढ़ के संत सेवालाल महाराज जी की जयंती मनाई जा और इन्हें भी समय में याद करो जा और लक्की साहब बंजारा जो पूरा हमारे संसार जो हमारी पहचान से लक्की साहब बंजारा जो जितने भी गए होते को खोद के पानी पीते हो तो लेकिन पहली शक्ति थी पहली शक्ति थी जो हिंदुत्व ने हिंदू की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बानी झेल के और गुरुदेव बहादुर धर ले अपने घरे में टांडे में रायसीना गुरुद्वारों से अपने घरे में ले जाकर के उन्होंने आग लगाई और अपने हिंदू की रक्षा करी और आज उन्हें हिंदू की चादर के वजह गुरुदेव बहादुर ने और कारण से आज भी अखंड जो उत्तर जला से ये सब कुर्बानी से तो लक्की साहब बंजारा से धन सतगुरु का वासा धन धन गुरुदेव बहादुर महाराज और लक्की साहब बाबा की जय लक्की साहब बाबा रो जब तक सूरज चांद रहिए लक्की साहब बाबा तारो नाम रहिए क्या बात है क्या बात है क्या बात है सोनिया धन्यवाद धन्यवाद आप बोलिए आप बोलिए
नहीं नहीं बहुत लोग सुनते हैं 2002 साल मालूम इधर वीडियो मिल रही कि जब मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया था बरे अपने बॉम्बे में तो मुझे वहाँ अपने जो बापू जी के दर्शन हुए थे और उसके बाद मुझे बापू जी के कभी कहीं दर्शन नहीं हुए। आज हमारा सौभाग्य है, मुझे अचानक ही जानकारी हुई थी कि बापू जी के हम श्रद्धांजलि कर रहे हैं, तो मैं सुन के मुझ पर रहा नहीं गया और मैं बापू जी के चरणों में श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे आया हूँ। बहुत आज हमें बहुत गर्व भी है और कई बार खुशी भी होती है कि ऐसे संत हमारे समाज से निकल के आए और हमारा जो मार्गदर्शन किया है वो आज के उसमें हमारा ही नहीं, बंजारा समाज का ही नहीं, और भी अन्य समाजों का जो मार्गदर्शन किया है। आज चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों या कोई मिनिस्टर हों, सभी हमारे बापू जी को मानते थे। और संत सेवालाल जी जो हमारे संत थे, महाराज जी थे, वो तो एक धरोहर थे बंजारा समाज की। वो उन्होंने हमारे बंजारा समाज को एक पहचान दिलाई और उन्हीं के मार्गदर्शन पर बापू जी ने भी काम किया। आज बापू जी के आशीर्वाद से, संत सेवालाल महाराज जी के आशीर्वाद से और हमारे लखी साहब बंजारा जी जो हमारे अभी बड़े भाई दोनों उनकी चर्चा कर रहे थे, लखी साहब बंजारा ने इस देश में जो किया वो कोई नहीं कर सकता। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज संसद से लेके और ये जितनी भी जो जगह यहाँ दिखाई देती है गुरुद्वारे की और ये आसपास की रायसेना रोड और ये सब बंजारा समाज का ही था। क्या बात है, क्या बात है। बंजारा समाज के टांडे यहाँ पे निवास करते थे। जब यहाँ पे जो ना अंग्रेजों का शासन आया और उन्होंने जो ये बिल्डिंग तोड़वा दी, सब गांवों को हटवा के और यहाँ पे बिल्डिंग बना दी, तब से यहाँ का बंजारा समाज का जो है ना जो वहाँ से उनकी जगह को हड़प के और इन्होंने अपना जो है ना वहाँ पे ये भी नहीं किया कि यहाँ पे हमारे लखी साहब बंजारा की कहीं कोई एक जो है ना किसी स्टैचू भी लगा दी। हाँ, उसके मैं एक संदेश देता हूँ कि मेरा एक मिनट, मेरा भारत देश का प्रधानी और अपना राष्ट्रपति को मेरा प्रणाम। जो न्यू दिल्ली में अपना एक लखी साहब बंजारा था, उसका नाम सूर्य चंद्र रहने तक रहेगा, इसलिए हम उसके एक आपसे विनती करते हैं कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति जैसी सारे देश में है, वैसा हमारा एक लखी साहब बंजारा बहुत बड़ा आदमी थे, उसका स्टैचू होना बोल के हम आपसे पूछते हैं। बस मेरी आपके चैनल के माध्यम से हाँ मेरी नहीं बंजारा समाज की मांग है हाँ। जो रकावगंज गुरुद्वारा का जो चौराया है वहाँ पे अपने लखी साहब बंजारा जी की एक स्टैचू होना चाहिए हाँ। एक मूर्ति होने उसकी स्थापना होनी चाहिए और इसकी घोषणा जो है ना प्रधानमंत्री जी ने तत्काल कर देनी चाहिए। इससे ये इतिहास के रचेता रहे लखी साहब बंजारा, इनके पास इतना धन था, ये इतने धनाढ्य थे कि लाखों गायों के साथ अपना व्यापार करते थे और जहाँ रुकते थे अपना कुआं खोदते थे, अपना पानी पीते थे, उसी से गायों को भी पानी पिलाते थे और वहीं अपना कुआं एक इनका एक इनका कुआं एक वो था निशानी, वहीं पास में कुएं के पास में अक्सर ये अपना जो ना जो भी इनके पास धन दौलत होती थी वहीं गाड़ के और आगे बढ़ जाते। इन्होंने कभी भी पीछे हटके नहीं देखा कि हमारा धन कहाँ गड़ा हुआ है। आज भी जो है ना जो लोग कहीं पे भी जो है ना खुदाई करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो इनको काफी सोने की असरपियाँ ये वो सोने के बहुत सारे हीरा जवाहरात वहाँ पे मिलते हैं, वो सब बंजारा समाज का ही धन था। वाह वाह वाह, आज बंजारा समाज, आज बंजारा समाज आर्थिक राजनीतिक और शिक्षा से विहीन है, क्योंकि उनके जो मार्गदर्शक थे
उनके जो मार्गदर्शक थे, ऐसा मार्गदर्शक आज भी बंजारा समाज में कोई पैदा नहीं हुआ है जो कि बंजारा समाज को राह दिखा सके। आज हमारे कविकार उमेश जाधव जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आज हमें बड़ा गर्व है कि हमारे समाज की एक बात रखने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में हैं, वो हमारी इस बात को वहाँ रख सकते हैं। बंजारा समाज के की जो बातें हैं, अपने लकी साहब बंजारा की जो हमने अभी मांग की स्टेचू के लिए, उस संदेश को सदन के माध्यम से इस बात को हमारी पीएम तक पहुँचाए, जिससे इसकी घोषणा तत्काल हो गए और ये जो है ना हमारा वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे के जो चौराया है उस पे लकी साहब बंजारा का स्टेचू लग सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय डॉक्टर धर्मगुरु संत श्री राम राव महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जय माता, जय श्री भारत। बोलो भारत माता की जय।